हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KL पॉलिटेक्निक पर। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हो कि KL पॉलिटेक्निक मलनी जौनपुर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल KL पॉलिटेक्निक को ज्वाइन करके आप सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट्स हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ न समझ में आ रही हो, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट को देखकर आपकी समस्याओं का समाधान करें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं CMED की अपनी अगली क्लास को लेकर। दोस्तों जैसा कि CMED का पिछला जो चैप्टर था उसका नाम था उद्यम तथा उद्यमियता, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और हमने उस चैप्टर में उन्हीं टॉपिकों का जिक्र किया जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से उपयोगी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम अपने इस नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसका नाम है परियोजना रिपोर्ट। परियोजना रिपोर्ट को इंग्लिश में हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम उन्हीं टॉपिक का जिक्र करेंगे, उन्हीं बिंदुओं का जिक्र करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि दोस्तों समय कम है और समय को देखते हुए हम लोग पहले उन सभी टॉपिकों को कवर कर लें एग्ज़ाम से पहले जो कि एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। फिर दोस्तों अगर समय मिलेगा तो हम जो भी चैप्टर या जो भी टॉपिक छूट रहे हैं हम उनको ज़रूर कवर करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम उन टॉपिक को पूरा कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो दोस्तों आज हम इस चैप्टर में कुछ टॉपिकों के बारे में जिक्र करेंगे जिसका नाम इस प्रकार है, परियोजना, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रोजेक्ट नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे तो हम लोग परियोजना रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग परियोजना के रिपोर्ट के लाभ के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो कुछ लाभ हैं परियोजना रिपोर्ट के, हम उन सब चीज़ों को आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आप आज की क्लास को आपके सामने शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम परियोजना हेडिंग डालेंगे जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है प्रोजेक्ट? जैसे कि प्रोजेक्ट तो दोस्तों कई टाइप्स के होते हैं, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं आपके कई प्रकार के होते हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, मतलब मान लीजिए रेलवे का कोई ट्रैक बिछाने का प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो भी तो प्रोजेक्ट है। कोई बिल्डिंग आप बनवा रहे हो, आप सिविल इंजीनियर बन रहे हो, सिविल इस साल पास होने के बाद आप सिविल इंजीनियर हो जाओगे, तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे फील्ड में। तो जैसे रोड का प्रोजेक्ट हो गया, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, रेलवे का ट्रैक बिछाने का प्रोजेक्ट हो गया, तो इसी तरह आपके काफ़ी सारे प्रोजेक्टों पर आप वर्क करोगे, कार्य करोगे और आपको आगे फील्ड में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट पूंजी निवेश की योजना का एक ऐसा पैमाना है जिसे स्वतंत्र रूप से आंका जा सकता है तथा इसका विश्लेषण किया जा सकता। आगे दोस्तों हम अपनी अगली हेडिंग डालेंगे परियोजना रिपोर्ट, जिसे इंग्लिश में लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। किसी भी परियोजना, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट की सफलता के लिए उसकी पूर्व योजना, पूर्व योजना मतलब प्लानिंग, प्लानिंग के बारे में जैसा कि दोस्तों आप पहले पढ़ चुके हो,
पहले चैप्टर में भी उसका जिक्र है, दूसरे चैप्टर में भी जिक्र है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। और पहले हम ये सारे चैप्टर को पढ़ाने के बाद, देखिए हम फिर से आपसे एक बार फिर कह रहे हैं कि हम उन्हीं चैप्टर का जिक्र करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें समय मिलेगा, क्योंकि अभी हम पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं, और इसके बाद हम आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे और लास्ट में पार्ट फर्स्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जो पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं ये हम अपने बच्चों को जहाँ तक पढ़ा चुके थे उसके आगे हम क्लास ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आप जो भी हमारे सब्सक्राइबर हो, जो भी जुड़े हो हमारे चैनल से, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको हम पार्ट 3 और पार्ट 2 ख़त्म करने के बाद हम पार्ट 1 भी पढ़ाएंगे। जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 भी पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 में भी कुछ पढ़ चुके हैं, और पार्ट 3 में नहीं पढ़े थे तो उनका हमने पार्ट 3 से स्टार्ट किया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं पूरा कवर करूँगा आपका, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बस आप लोग सब्र रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक। चलिए, तो किसी भी परियोजना की सफलता के लिए उसकी पूर्व योजना आवश्यक होती है, अतः बिल्कुल सही बात है, बिना योजना के कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हो, अतः सभी कार्यों व जॉब को लेखनीबद्ध कर लिया जाता है। इस लिखित विशेष, क्या लाइन है देखिए, ये देखिए इसमें आपकी मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट थी कि अतः सभी कार्यों व जॉब को लेखनीबद्ध कर लिया जाता है, मतलब लिख लिया जाता है, मतलब लिखित कर लिया जाता है। इस लिखित विशेष एवं विस्तृत सूचना पत्र को ही परियोजना रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलेंगे हम परियोजना रिपोर्ट के लाभ। परियोजना रिपोर्ट के लाभ क्या है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा प्रोजेक्ट के बारे में कि परियोजना क्या होता है, फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा परियोजना रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, उसके आगे दोस्तों ने पढ़ा जब तो परियोजना रिपोर्ट का लाभ है। तो परियोजना रिपोर्ट का लाभ को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके लाभ निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर एक, परियोजना रिपोर्ट से परियोजना संबंधी पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। पहला पॉइंट क्या है आपका, परियोजना रिपोर्ट से परियोजना संबंधी पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि आपका जो परियोजना रिपोर्ट है इसकी सहायता से हम परियोजना मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड हम पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा हमारा पॉइंट है इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें, इसकी वजह से परियोजना में जुड़े लोगों विशेषकर अधिकारियों अधिकारियों सॉरी इसकी वजह से परियोजना में जुड़े लोगों विशेषकर अधिकारियों का इसका स्वरूप अस्पष्ट हो जाता है, जिससे उनको एक टीम के रूप में कार्य करने में क्या होती है, आसानी होती है। यानी कि परियोजना रिपोर्ट में कह रहा है कि जो भी अधिकारी वगैरह हैं इनसे जो परियोजना से जुड़े हैं उनका पूरा स्पष्टीकरण हो जाता है, जिससे उनको एक टीम के रूप में कार्य करने में क्या होती है, आसानी होती है। तीसरा हमारा पॉइंट है दोस्तों, परियोजना रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्य संचालन में मार्गदर्शन का कार्य करती है, मतलब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो कार्य संचालन में एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, इसकी सहायता से भविष्य में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों का ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बना रहे हो उसमें आपको भविष्य में जो आने वाली जो समस्याएं हैं, आपके प्रोजेक्ट में जो समस्याएं आने वाली हैं, भविष्य में कठिनाई आने वाली है, उसका आपको ज्ञान हो जाता है। पांचवा पॉइंट क्या है, इसकी वजह से मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वजह से परियोजना की सफलता के बारे में विश्वास बना रहता है, ठीक है। छठवां पॉइंट हम देखेंगे, इसकी सहायता से
परियोजना को निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण कर लिया जाता है। कहने का मतलब जो परियोजना होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से हम परियोजना जो होता है वो निर्धारित जो अवधि जो निर्धारित समय दिया जाता है उससे उसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, कार्य अपनी जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। अगला पॉइंट आप देखेंगे सातवां, इसकी सहायता से कार्य की प्रगति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। मतलब जो आप कार्य करा रहे हो उस पे आप क्या कर सकते हो, आसानी से नियंत्रण कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आठवां पॉइंट आप देखोगे, इसकी वजह से मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वजह से श्रमिकों सामग्री तथा संयंत्रों की पूर्ण जानकारी मिल जाती है। मतलब जो आपकी प्रोजेक्ट में जो भी आपके श्रमिक सामग्री मतलब श्रमिक कितने लगेंगे, सामग्री कितनी लगेगी और जो संयंत्र उनकी पूर्णता आपको क्या हो जाती है, जानकारी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद नौवां आपका है, इसकी सहायता से प्रस्तावित कार्य संबंधी सभी जरूरी जानकारी प्राप्त होती है। दसवां आपका क्या है, इसकी वजह से परियोजना के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में आसानी होती है। मतलब जो भी आपको बैंक वगैरह से जो भी आपको पैसा वगैरह लेना है, लोनिंग करना है, ये लोन लेना है, वो उसमें आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हमने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लाभ के बारे में बताया। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।